हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि एक चम्मच काफ़ी है मेथी दाने का हमारी बहुत सी प्रॉब्लम से हमें बचाने के लिए। साथ में इस वीडियो में जानेंगे कि इसे खाने का सही तरीका क्या है। मेथी दाना आपको चाहे तो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज़ है, और चाहे कहीं भी घुटनों में, जोड़ों में, टांगों में, कहीं भी वात का यानी वाई का दर्द होता है, ये ओवरऑल सारी की सारी इन चार प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसे खाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप सिंपल इनका पाउडर बना कर लेते हैं तो उनका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, साथ में ये खाने में भी बहुत कड़वी होगी। इसीलिए आप क्रॉस मार दीजिए कि आपने इसे पाउडर बनाकर मेथी दाने को नहीं लेना है। इसके बाद आता है मेथी की सब्जी खाना। मेथी की सब्जी खाना फ़ायदेमंद है, लेकिन ये इन चार बीमारियों को ख़त्म नहीं कर सकती। इसीलिए सब्जी खा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट किसी चीज़ का ये ट्रीटमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पिन्नी। सर्दियों में पिन्निये ज़रूर खानी चाहिए। अगर आप खाते हैं तो मेथी की ज़रूर खाएं, क्योंकि मेथी की पिन्निये जो होती हैं वो सर्दी नहीं बहुत ज़्यादा नहीं लगने देती, यानी कि हमें वो सर्दी से बचा लेती हैं जिसमें कांपने वाली सर्दी होती है। इसीलिए आप खा सकते हैं, लेकिन ये भी किसी चीज़ के ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं होता। अब बात करते हैं जिनको भी हाई बीपी है, यानी कि ब्लड प्रेशर जिनका भी हाई रहता है, और वो चाहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हमें लाइफ टाइम नहीं लगी रहे, तो मेथी दाने का यूज़ कीजिए। जिनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी कि आर्टरीज में वो मोम जैसा एक पदार्थ जमता है और ब्लड का फ्लो प्रॉपर बॉडी में नहीं हो पाता उनको, जिनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड में शुगर ज़्यादा मिक्स हो रही है, या फिर जिनको भी घुटनों का या फिर जोड़ों का बहुत दर्द है, यानी ये कह सकते हैं कि उनको वात की प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में जो वात है वो हड्डियों में जम रही है, ये चार की चार प्रॉब्लम में आपको मेथी दाना खाना है। एक चम्मच, सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच, वो भी कितने टाइम के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के लिए। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी इस मेथी दाने को एक चम्मच खा सकते हैं, लेकिन कैसे, वो 10 दिन खा लीजिए और बीच में 10-15 दिन का गैप कर लीजिए, फिर 10 दिन खा लीजिए, फिर 10-15 दिन का गैप कर लीजिए। इस तरीके से खाइए ताकि ये प्रॉब्लम्स कभी कभी भी उनको न हो जिनको नहीं है, यानी कि हमेशा ही आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो ये मेथी दाना 10 दिन खाकर 15 दिन का ब्रेक, 10 दिन खाकर 15 दिन का ब्रेक, तो फिर ये हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और ये जोड़ों की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। लेकिन अब जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स में हम कैसे खाएं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में भी लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में कि इसे खाना कैसे है। आपने नॉर्मली रात को इसको भिगो देना है, एक चम्मच सिंपल पानी में भिगो दीजिए। अगर तो गर्मियां हैं तो आप इसे फ्रिज में रखना, क्योंकि इसका पानी जो होगा, अगर आप रात को भिगो देंगे गर्मियों में तो पानी सुबह तक वो स्मेल आने लग जाती है। इसीलिए अगर गर्मियां हैं तो उसे फ्रिज में रखिए, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। उसके बाद अगर सर्दियां हैं तो आप इसे बाहर किसी भी गिलास में एक चम्मच मेथी दाना डाला और एक गिलास पानी में ढककर रख दिया। सुबह इस पानी को आपने पी लेना है और जो मेथी दाना है उसको भी खा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, चाय नहीं पीनी। मेथी दाने खाने के बाद आपने चाय बिल्कुल नहीं पीनी, क्योंकि मेथी दाने के अगर चाय अगर इसके बाद भी पीते हो ना, आधा घंटे बाद भी, तब भी इसका असर ख़त्म हो जाएगा, जो इसकी क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आप इसके बाद दूध ले सकते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, जब भी आपने खाना है तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन दही ले सकते हैं, लेकिन चाय नहीं लें, ताकि जो इसके बेनिफिट आपको मिलने हैं वो सारे के सारे मिल सकें। ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके जो लेने का तरीका है वो सही होना चाहिए, कि आपने इस
ट्रीटमेंट को 3 मंथ के लिए लेना है और 1 चम्मच ही मेथी लेनी है ताकि सारे बेनिफिट आपको मिल सके। चाहे कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, लंबे टाइम के लिए किसी चीज़ को नहीं लिया जाता, क्योंकि लंबे टाइम के लिए किसी भी चीज़ को लिया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं, चाहे कोई भी चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।